हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जंगीत और आज इस वीडियो में बात करेंगे बेटनोवेट क्रीम के बारे में। काफ़ी फेमस क्रीम है, इवन आप किसी भी मेडिकल स्टोर के पास जाओगे तो सबसे पहले किसी भी कंडीशंस के लिए ये वाला जो क्रीम है सबसे पहले आपको देगा। ओके, तो इतनी फेमस क्रीम क्यों है, ये क्या रीज़न है इसके? तो इसके बेसिकली तीन रीज़न है। पहली बात है कि काफ़ी पुरानी क्रीम है, रफली 25 to 30 ईयर्स पुरानी क्रीम है। और सेकेंड है कि ये जो है ये ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट में आता है, तो इसका प्राइस बहुत कम है। मीन्स ये क्रीम बात करें तो ये सिर्फ 18 रुपीज़ की क्रीम है। और थर्ड है कि इसके रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप फैमिली मेंबर में या किसी लोगों से पूछोगे आप, तो ये जो क्रीम है आपको इजीली बताएंगे, इजीली रिकमेंड करेंगे। ओके, सो क्या है क्रीम, ये आज इसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली जो बेटनोवेट है एक तरह का एक टॉपिकल स्टीरॉयड होता है, जो कि एक तरह का मिड पोटेंट स्टीरॉयड है। इसका नाम है बेटामेथासोन वैलेरेट। और ये जो केमिकल होता है वो बेसिकली आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करने का काम करता है। जी हाँ, इम्यून सिस्टम वही जो आपके बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट में फाइट करता है। और इस बेटनोवेट के साथ में दो और कॉम्बिनेशन आते हैं, एक होता है बेटनोवेट एन और एक होता है बेटनोवेट सी। सो जो बेटनोवेट एन है दैट कंटेन्स नियोमाइसिन क्रीम, यू कैन सी ओवर हियर। सो दिस इज़ अ नियोमाइसिन, ये बेसिकली एक टॉपिकल एंटीबायोटिक है। और ये जो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, और ये भी काफ़ी पुराना एंटीबायोटिक है। 2003-2004 के आसपास काफ़ी ऐसी स्टडीज़ आई थी और उसमें ये देखा गया था कि ये जो क्रीम है, जो नियोमाइसिन सल्फेट जो केमिकल होता है, ये काफ़ी रिएक्शन कर रहा था स्किन के ऊपर। तो उसके बाद में जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको यूज़ करना काफ़ी बंद कर दिया है। और तब तक क्या होता कि काफ़ी अच्छे नए केमिकल्स भी आ गए थे एंटीबायोटिक के, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो यूज़ करने लगे। और जो दूसरा क्रीम है इसके अंदर है आपका क्लियोक्विनोल है, तो ये एक तरह का एंटी फंगल है बेसिकली। और ये एंटी फंगल ऑब्वियसली फंगस के अगेंस्ट में काम करता है, लेकिन ये भी काफ़ी पुराना केमिकल है। तो कहने मतलब है कि पुरानी क्रीम्स है ये वाले और अभी भी काफ़ी फेमस हैं क्योंकि प्राइस बहुत कम है इसका, राइट। तो अब बात करते हैं कि ये क्रीम्स मुझे यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये जो केमिकल है बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को कम करने का काम करता है, तो जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है उस कंडीशन में तो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा कि कौन सी एलर्जिक रिएक्शन है या फिर कौन सी इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फेक्टिव रिएक्शंस हैं, तो ये आपके लिए पता करना मुश्किल है। इसलिए क्या होता है कि इसको यूज़ अपने मन से कभी भी नहीं करना चाहिए। इन क्रीम्स के ऊपर साफ साफ तौर से लिखा हुआ है कि प्लीज़ डोंट यूज़ दिस मेडिसिन बाई योर ओन, ऑलवेज डिस्कस विद योर डॉक्टर। तो डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इन क्रीम को यूज़ करने के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये 3 to 6 सप्ताह के बाद में अपीयर होते हैं, वो डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। लेकिन कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट करते हैं स्किन के? पहला है कि स्किन को सेंसिटिव करता है, सेकेंड होता है कि आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स बढ़ा सकता है, और थर्ड होता है कि ये जो आपका स्किन के ऊपर जो हेयर ग्रोथ होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ, वो आपको ज़्यादा कर सकता है। इसके साथ साथ ये आपके स्किन को बहुत ही पतला कर देता है। पतला होने के बाद में आपके स्किन की जो नसें होती है वो काफ़ी विजिबल हो जाती है, आप देखोगे कि आपका स्किन रेड हो जाएगा। और अगर आप सनलाइट में जाओगे तो यू विल फील सम काइंड ऑफ बर्निंग इफेक्ट ऑन द स्किन। ओके, और ये मान के चलिए कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको रिवर्स करना बड़ा ही मुश्किल होता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि ये जो क्रीम्स हैं ये लोग 6 महीने से लेकर साल भर तक लगाते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में आते हैं कि देखिए डॉक्टर, ये जो क्रीम है मैं काफ़ी दिनों से लगा रहा हूँ और मेरे स्किन पर ये जो प्रॉब्लम्स हो गई है इसका कुछ सोल्यूशन दीजिए। देखिए, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकता है। आपके स्किन पे कितना डैमेज हुआ है उसका रिपेयर के लिए कुछ क्रीम दे सकता है, लेकिन वो रिपेयर कितना होगा ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और कभी कभी देखा गया कि ये रिपेयर पूरी तरह हो नहीं पाता है, स्किन के अंदर परमानेंट साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस मेडिसिन बाई योर ओन। ओके, हाँ, डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेंगे कि आपके इफेक्ट के साथ साथ में आपका साइड इफेक्ट भी देखेगा, तो वो एक तरह का बैलेंस करते हो जाता है। और वो जैसे उसको दिखता भी साइड इफेक्ट है तो उस क्रीम को एक अच्छी क्रीम से या दूसरी क्रीम से रिप्लेस कर देता है, राइट। तो हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में दवाई लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि फेस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फेस पे और जो थाई वाली एरिया है उस पर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपको। ओके, क्योंकि ये जो क्रीम होती है ये मिड पोटेंट स्टीरॉयड में आती है, और मिड पोटेंट स्टीरॉयड जो थिन एरियाज होते हैं वहाँ पर कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है। प्लीज़ फेस पे और थाई वाले एरिया पे कभी भी यूज़ नहीं करना है। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी तरह का, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो से आपको ये सीखना है कि कोई भी स्टीरॉयड क्रीम आपको अपने मन से कभी भी यूज़ नहीं करना है, राइट। थैंक यू, हैव अ सेफ स्किन।